हेलो माय वाईटी फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी यहाँ ठीक हैं। तो फ्रेंड, ये है इवनिंग का टाइम और यहाँ पर इफ्तार की तैयारी हो रही है, क्योंकि ये मुहर्रम की 8वीं तारीख का दिन है और यहाँ पर इफ्तारी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने चिप्स वगैरह फ्राई कर लिए हैं कुछ, और यहाँ शिकंजी वगैरह बनाऊँगी। तो फ्रेंड, मुहर्रम की 7 तारीख का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था। जिस दिन ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी, मुहर्रम तो निकल चुके होंगे, मुहर्रम का महीना ही होगा, बट मुहर्रम के 10 दिन निकल चुके होंगे। ये वीडियो थोड़ी लेट आपके पास पहुंचेगी। तो ये है 8 तारीख मुहर्रम की, और यहाँ पर हमारे यहाँ मेहंदियों पर जो है वो न्याज होती है और चढ़ाई जाती है मेहंदियाँ, और उसी दिन जो है इमाम हुसैन के फ़कीर बनाए जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर मेरा बेटा, ये देखें, इमाम हुसैन का फ़कीर बना हुआ है। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपके यहाँ इमाम हुसैन के फ़कीर बनाए जाते हैं या मेहंदियों पर फाता होती है, मेहंदियाँ चढ़ाई जाती हैं। तो कुछ जगह पर यहाँ पर मेहंदियाँ चढ़ाई जाती हैं, कुछ जगह पर नहीं चढ़ाई जाती हैं। तो हमारी तरफ जो है वो मेहंदियों पर फाता होती है और चढ़ाई जाती हैं मेहंदियाँ। तो यहाँ पर इमाम हुसैन के फ़कीर, ये देखिए, मोहम्मद हसनैन बने हुए हैं। तो फ्रेंड, ये इवनिंग का टाइम है, शाम हो गई है, और यहाँ पर मेहंदियों पर भी मैंने फाता करा दी थी, और यहाँ पर अब मेहंदियाँ चढ़ाने का टाइम हो गया है। तो यहाँ ये देखें, इस तरीके से थाली तैयार की जाती है और मेहंदियाँ रखी जाती हैं, चिरागी के लिए चिराग जाता है और कुछ पैसे वगैरह जो अपने हिसाब से दिए जाते हैं। खीले होती हैं, खीले जो मीठी खीले होती हैं उस पर फाता दी जाती हैं और शरबत वगैरह बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये देखें, हमारी जो सासू माँ हैं वो लेकर जा रही हैं। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारी तरफ मेहंदियाँ चढ़ाई जाती है। कागज़ की मेहंदियाँ भी चढ़ाते हैं, कागज़ जो होता है ना, कलरफुल कागज़, उसकी मेहंदियाँ बना के और वो चढ़ाते हैं। तो जिनके पास ग्रीन मेहंदी नहीं होती है, जो फ्रेश मेहंदी होती है ग्रीन पत्तों वाली, वो अगर नहीं होती है तो कुछ लोग उस तरीके की मेहंदियाँ भी बनाकर चढ़ाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो है कलरफुल मेहंदियाँ भी लेकर आए हैं, वो कागज़ वाली जो मैं आपको बता रही हूँ, वो वाली मेहंदियाँ आपने देखी होंगी यहाँ पर। तो ये कलरफुल मेहंदियाँ, तो यहाँ पर ताज़िया रखा हुआ होता है और वहीं पर ही मेहंदी, कलावा, ये जो इमाम हुसैन के फ़कीर बनाए जाते हैं बच्चे, तो कलावा वगैरह बस यहीं पर ही आके और सब लोग इकट्ठा कर देते हैं। जब ताज़िया जाता है करबला को, तो उसके साथ ही मेहंदी और ये कलावा वगैरह सब सारी चीज़ें जो है वो चली जाती हैं। तो ये देखिए, आपको दिख रही होगी, ये होती है कलरफुल मेहंदी, और इसी के अंदर जो है वो चिराग रख कर जाता है। तो फ्रेंड, ये है मुहर्रम की 10 तारीख, और यहाँ पर ये देखिए हलीम बनाया जा रहा है, और ये मेरे मायके का जो है कुछ क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हलीम बनाया जा रहा है और ये मेरा भाई है। तो मैंने आपके साथ छोटी छोटी क्लिप्स आपके साथ शेयर की हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम पर। तो फ्रेंड, ये 10 मुहर्रम का दिन है और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ खाने वगैरह की तैयारी हो रही है, और यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं अपने घर। यहाँ मेरी नंदोई बैठे हुए हैं और सास उधर साइड अभी आपको दिखेंगी, वो बैठी हुई हैं, हस्बैंड हैं, और ये सबके बीच में मैं बैठी हुई हूँ। और यहाँ पर ये देखिए बातें हो रही है। तो हलीम बिरयानी की दावत की थी अम्मी ने, तो यहाँ हलीम बिरयानी है और हलवा वगैरह ये सब
बनवाया था इन्होंने पापा ने, तो तो फ्रेंड इधर हमारी साइड जो है वो लंगर वगैरह होता है, कुछ दुकानें लगती हैं क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं करबला के लिए अपने बच्चों को लेकर, तो उनके लिए भी जो है दुकानें वगैरह भी लगाई जाती हैं और लंगर भी होते हैं। तो बच्चे भी आए थे घूमकर, तो ये देखिए टॉयज से खेल रहे हैं, टॉयज लेकर आए थे अपने पापा के साथ। तो फ्रेंड मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं करती हूँ, मिलती हूँ नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।